साथ में जय एग्जाम ब्यूटी सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म आया हुआ है इस पर इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। दोस्तों क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि सर एक वीडियो जो है इसकी इंफॉर्मेशन के लिए बना दी जाए, तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो पोस्ट आया हुआ है इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, क्या करना है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो कुछ मतलब प्रमुख बिंदु हैं आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उनमें से जो जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसका कब है, साथ ही साथ इसमें एज क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट। दोस्तों मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि दोस्तों अगर एनसीसी सर्टिफिकेट हमारे पास ए है, बी है, सी है होते हैं उससे क्या हमें छूट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो उसके बारे में बताने के लिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में फिजिकल एलिजिबिलिटी पर भी बात करेंगे कि वो क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ में तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। टोटल 24,369 पोस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, 24,369 पोस्ट है यहाँ पे। तो सर जो एसएससी कांस्टेबल जीडी है, जो एसएससी जीडी का फॉर्म है, इससे आपको क्या होता है, जो हमारे सैनिक बल होते हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, फिर असम राइफल हो गया, ये एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इन सभी दोस्तों आपको एज ए कांस्टेबल आपको तैनात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये टोटल जो 24,369 पोस्ट है जिसमें बीएसएफ में 10,497 पोस्ट, सीआरएसएफ में 100 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 8,911 हैं, एसएसबी में 1,284 हैं, आईटीबीपी में 1,613 हैं, असम राइफल्स में ये जो है टोटल आपके 1,697 हैं। और दोस्तों ये सेक्रेटरियन सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ के नाम से जाना जाता है, इसमें 103 पोस्ट है, और ये एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसमें आपको टोटल 164 पोस्ट है, ठीक है। ये तो हो गई पोस्ट की बात। अब हम दोस्तों जो हमारे जहां आपको प्रमुख जो चीज़ें जाननी है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, तो ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 27 तारीख से ही, ये अप्लाई होना है ऑनलाइन 27 अक्टूबर से ही, ठीक है, 27 अक्टूबर 2022 से ही ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको दिया गया है। इसमें आप जो है 30 नवंबर तक आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करना है इसको। अगर हम इसमें आप एज की बात करें, लेकिन दोस्तों देखिए किसी भी कोई भी फॉर्म हुआ आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, जब भी आपको टाइम मिले उसके पहले ही आप जो है इसको फिल कर दिया करिए। अगर आप एज की बात करें, एज यहाँ पर कितना है, देखिए एज जो है नॉर्मली 18 से 23 वर्ष चाहिए, कितना 18 से 23 वर्ष है। फिर मैंने अगला टॉपिक जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, यानी आयु में कितनी छूट आपको दी जाएगी। तो दोस्तों जो एसएससी की गाइडलाइंस होती है जिस तरह से छूट आपको दिए जाते हैं वो सारे छूट इसमें आपको प्रदान किए जाएंगे। जैसे अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की, आपको 5 वर्ष का ओवर एज की बात है, मान लीजिएगा तो 23 से अधिक हो रहे हैं, इस स्थिति में आप 5 साल आपको छूट दी जाएगी, यानी 28 साल तक अगर आप एससी एसटी हैं तो इसे भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है ना, 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। अब देखिए 3 वर्ष का मतलब 23 हो गया, और 3 वर्ष बढ़ गया तो 23 से 26 साल तक जो है अगर आपके 26 के अंदर है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी सारे जो छूट होते हैं वो सारे छूट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जितने सारे होते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो है हमारा क्वालिफिकेशन, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन में इसमें सिर्फ आपको 10th स्टैंडर्ड चाहिए। आपका अगर 10th है यानी आप अगर हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन पास हैं, ठीक है, कहीं से भी किसी भी मतलब जो बोर्ड है इंडिया में उस किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है 3 टाइप का, एक एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास ए सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपके पास बी है और अगर आपके पास सी है, ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो इस स्थिति में आपको 2% टोटल मार्क का जो है बोनस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने परीक्षा दिया और आप पाए 60 नंबर अगर आप पाए तो
2% टोटल मार्क का आपको ऐड कर दिया जाएगा जब आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट रहेगा। जैसे मान लीजिए 2%, ठीक है, अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का दिया जाता है टोटल मार्क का, और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% बोनस दिया जाता है इसमें टोटल मार्क के हिसाब से। इसे टोटल मार्क आपको पता जितना भी होगा उसका 5% आपको जो है बोनस दिया जाएगा, जितना पाएंगे एग्जाम देने के बाद उसमें और ए प्लस ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एनसीसी सर्टिफिकेट, ए पर 2%, बी पर 3% और सी सर्टिफिकेट है फिर 5% आपको टोटल दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर आप जनरल हैं, PWS हैं, AC में OBC हैं और साथ ही साथ अगर आप SC हैं, जनरल PWS OBC SC हैं तो इसमें दोस्तों तीन चीज की बात होती है, एक हाइट होती है, ठीक है, हाइट के बाद फिर चेस्ट होता है, ठीक है, और चेस्ट के बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपकी रनिंग होती है, तीन चीज देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ, अगर आप SC के बाद ST हैं और यहाँ पे आप अगर फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल में भी थोड़ा सा एक और यहाँ पे अगर ये फीमेल नॉर्मल साधारण जो है यानी जनरल OBC PWS और SC की, और यहाँ पर जो है फीमेल ST, फीमेल ST अगर हम इसकी बात करें ST, तो देखिए हाइट जो है इनकी चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए दोस्तों, कितना एक, तो अगर आप जनरल PWS OBC या SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है। अगर आप ST हैं और मेल हैं, दोस्तों ये मेल की बात हो रही है, ठीक है, ये मेल है, और अगर आप मेल में ST हैं इस स्थिति में आपको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, जनरल PWS OBC SC इसमें के फीमेल हैं तब आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और अगर आप ST हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है, 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। दोस्तों अगर चेस्ट की बात करें तो अगर आप जनरल PWS OBC से हैं तो फिर आपको क्या होगा 80 से 85 का मतलब ये है कि 80 आपका मिनिमम होना चाहिए और 85 जो है आपको फुलाने पर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चाहिए। और अगर इनकी बात करें तो इनका जो होता है दोस्तों मेल ST अगर आप हैं तो इस स्थिति में आपको 76 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब 76 होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए 80 का, और ये 80 से 85, ठीक है, 80 होना चाहिए मिनिमम और फुला कर उसको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए सीने, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको जो है चेस्ट की कोई जरूरत नहीं है यानी इतने होता है यानी आपको कोई मापदंड चेस्ट के लिए नहीं है, चाहे आप फीमेल किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको चेस्ट की मापदंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए रनिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप मेल हैं तो मेल चाहे आप ST हो चाहे SC हो चाहे OBC चाहे WS कुछ भी हो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 24 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सेम चीज 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में यानी 8 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, ठीक है। अगर फीमेल आप ST हैं तब भी आपका वही है 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, ठीक है, 1600 मीटर दौड़ना होगा आपको कितने में 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 8.5 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी, आपको जो मिनिमम ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, ठीक है। अब एक चीज हमारा और रह गया सबसे प्रमुख चीज, सिलेबस पर हम थोड़ा इसकी बात कर रहे थे कि सिलेबस कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टोटल आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने टोटल आपसे 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो होंगे 80, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा, कितने 2 मार्क का, यानी यहाँ से आप अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे दोस्तों, अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो हो जाएंगे 160 मार्क्स, ठीक है, 160 मार्क हो जाएंगे। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, टाइम
दोस्तों वो 60 मिनट का मिलेगा, यानी 1 आवर का, कितना 1 घंटे, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट का, ठीक है। 60 मिनट का जो है आपको टाइम इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तब कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके लिए आपको 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग के नाम से, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इससे आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, और टोटल मार्क जो होंगे कितने होंगे, 20 है तो 2 यानी 40, 40 मार्क का रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, और जनरल नॉलेज कहते हैं GA GK, एक कहेगा इससे 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ आपसे पूछा जाएगा, मैथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, ये भी आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा, और यहाँ पे 40 मार्क का होगा, ठीक है। और अगर एक चीज़ है, आप अगर इंग्लिश भरना चाहें तो आप इंग्लिश भर सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक का आपको चूज करना है, या तो इंग्लिश या हिंदी, इसमें से भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और 40 मार्क के, जहाँ आप देख सकते हैं टोटल 80 प्रश्न हो गए और 160 नंबर हो गए, ठीक है। और समय जो आपको दिया जाएगा, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो माइनस मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, 0.50 अंक आपके कट कर दिए जाएंगे, ठीक है, इतना अंक आपको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको आप निकालेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है, कितना है, 1/4 माइनस मार्किंग है ना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को समझ गए होंगे, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझसे छूट गई हैं या आपको नहीं पता है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझे होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए एग्जाम इंडिया सेंटर के साथ, और दोस्तों अगर हमारी पिछली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे तक जरूर विजिट करिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।